जय हिंद साथियों, आप सबको नमस्कार। मैं अलका लांबा दिल्ली से। सभी साथियों का धन्यवाद। और मैं सभी के जो मैसेज है वो पढ़ रही हूँ, और लाइफ खत्म होने के बाद जरूर एक एक का मैसेज पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ के जो मुझे लगते हैं जवाब देने लायक हैं उनको मैं जवाब दे देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि सोने का समय हो गया आप सभी का। मात्र 10 मिनट, 5 खबरें हैं, 5 न्यूज हैं, आपसे सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ। उस पर अपना कोई मत नहीं रखूंगी। उस पर जो भी कहना है, सोचना है, विचार रखना है, वो आपकी अपनी सोच होगी। 5 खबरें आई, 5 खबरों में 3 तो अभी लेटेस्ट हैं जिसपे मैं अभी चर्चा करूंगी, ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 10 मिनट में। आपको मालूम होगा पहलू खान अलवर राजस्थान बीजेपी की सरकार थी, उस समय भीड़ ने इकट्ठा होकर उस आदमी को पीट पीट कर मार डाला। केस लंबा चला लेकिन पता लगता है कि उनकी हत्या नहीं हुई, हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ था, जबकि वीडियो वायरल सबने देखा कि किस तरीके से उस आदमी को पीटा गया। छोड़िए, दूसरा तबरेज अंसारी, युवा नौजवान लड़का झारखंड में, सबने वीडियो देखा होगा कि उसे पेड़ से बांध कर पीट पीट कर मार डाला गया भीड़ से, वो भी वीडियो आप सबने हमने देखा। लेकिन हाँ, उसको लिए भी आया कि उनके सभी अपराधियों को जो एक्यूज थे उनको पहलू खान की तरह बेल मिल गई है, और पहलू खान के आरोपियों की तरह तबरेज अंसारी के भी आरोपियों को पूरी बेल मिल गई है। और ये साबित हुआ है कि तबरेज जो है वो अंसारी की हत्या नहीं हुई है। वो जो आप देख रहे थे ना भीड़ में इकट्ठा करके उसको मार रहे हैं, वो तो उससे खेल रहे थे, उसको गुदगुदी कर रहे थे, लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ। और ये आया कि उसकी जो है हत्या नहीं हुई, वो युवा लड़का भी हार्ट अटैक से मर गया है, तो उसमें भी सबको रिहा कर दिया गया। अब तीसरा मामला, वो हिंदू मुस्लिम वर्सेस था, लेकिन यहां नहीं है। यहां अब आज एक खबर मिलती है उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, याद है या भूल गए? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ड्यूटी पे थे, वर्दी में थे, भीड़ आती है, भीड़ का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? सबको मालूम है बजरंग दल का नेता योगेश राज अपने साथ 8 गुंडों के साथ उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को की हत्या हो जाती है। उसके बबाद क्या हुआ? पिछले महीने 7 आरोपियों को सबूत नहीं है कहकर पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने थे, किसके खिलाफ? अपने ही इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के खिलाफ। लेकिन दबाव इतना था कि पुलिस वाले ही अपने ही एक इंस्पेक्टर की हत्या के सबूत इकट्ठा करने की बजाय उसे नष्ट कर दिया। और उससे हुआ यह कि पिछले महीने बजरंग दल के 7 आरोपी बेल मिलकर रिहा हो गए, और आज योगेश राज बजरंग दल का नेता जो नेतृत्व कर रहा था, जिसने जिसकी भीड़ ने सुबोध सिंह इंस्पेक्टर पर हमला किया, वो भी आज रिहा हो गया है। सबूत नहीं है, और मुझे पक्की यकीन है कि पहलू खान की तरह और तबरेज अंसारी की तरह इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भी हत्या नहीं हुई है, उसका भी हार्ट अटैक हुआ होगा। आ जाएगा आज उन्होंने कहा नहीं हुआ हार्ट अटैक, निकाल देंगे, चिंता मत करिएगा, इनका बचना जरूरी है। सरकार है, सत्ता है, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इनकी सरकार है भाई, नहीं बचाएंगे तो लानत है ऐसी सरकार को। बजरंग दल छोड़ नहीं देगा इन्हें, इसलिए बचाइए, क्योंकि यही तो वोट मांगेंगे आपके लिए आने वाले उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनावों में, इसलिए इन्हें बचा कर रखिए। बाकी इंसानियत की हत्या होती है, होने दीजिए। एक और मामला है उन्नाव की पीड़िता, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पिता मार डाला, चाचा जेल में है, मां वकील, उसका ट्रक से एक्सीडेंट होता है, कम से कम 1.5 महीने से उसका वकील और उन्नाव की पीड़िता एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में थी। आज उसकी छुट्टी हो गई, लेकिन वो यहां से दिल्ली से उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहती, उसे एम्स के ही गेस्ट हाउस में रखा गया, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी हत्या करवा दी जाएगी। पिछली बार जो ट्रक से हादसा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, उसमें हम सबकी दुआओं से भगवान की वजह से वो बच गई, लेकिन आगे उसको लगता है नहीं बच पाएगी, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर अभी जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का दावा था कि भारत देश में जब से उनकी सरकार आई है बेटी बचाओ के नारे के तहत 7 दिन में अपराधियों बलात्कारियों को फांसी होती है, लेकिन ये तो कुलदीप सिंह सेंगर है भाई साहब, बलात्कारी होगा लेकिन उससे पहले भाजपा का विधायक भी तो है, ऐसे कैसे फांसी हो जाएगी 7 दिन में?
एक साल बाद तो FIR हुई उसके खिलाफ, एक साल बेचारी अपने परिवार के साथ दर दर भटक रही है, और अभी भी कुलदीप सिंह सेंगर को हल्के में मत लीजिएगा। साक्षी महाराज जानते हैं ना, उन्नाव से भाजपा के सांसद थे, दोबारा जीता है, ऐसे थोड़ी ना लोगों ने वोट दिया। जेल में मिलने गए थे कुलदीप सिंह सेंगर को, धन्यवाद करने गए थे उस बलात्कार के आरोपी अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का, उन्नाव के। साक्षी महाराज कहिएगा कुछ मत, भगवा धारण करते हैं, श्राप दे सकते हैं आपको, इसलिए खामोश रहिएगा, आवाज मत उठाइएगा, सड़कों मत आइएगा, ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूं। अब एक और मामला है, भगवाधारी है, फिर मैं कहूंगी खामोश रहिएगा। भाजपा की सरकार में अटल जी के समय में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो श्राप देकर आपको भस्म कर सकते हैं वो लोग। मैं आपको बता रही हूं, मैं नहीं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार बताया कि काला जादू होता है, जिससे वो एक एक उनके नेताओं की जो है वो हत्या करवाई जा रही है, वो मर नहीं रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। सो भैया डरिए इनसे, ये श्राप दे सकते हैं, काले जादू में यकीन रखते हैं। अब चिन्मयान भगवत आ रही है, कुछ मत कहिएगा, वापस कह रही हूँ, 23 साल की कानून की पढ़ाई कर रही बेटी ने कहा कि मेरा लगातार भाजपा का ये नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बलात्कार कर रहा है, लगातार लगातार। कहा जाता है बेटियों को स्कूल में भी, बच्चियां जाती है तो हम बच्चियों को बताते हैं गुड टच बैड टच क्या है, ताकि हमारी मासूम बच्चियां जो 5-6 साल की हैं स्कूल में कदम रखती हैं, उन्हें पता लग सके कि कौन उनको किस भावना से टच कर रहा है। तो हम 5 साल की 6 साल की बच्ची को भी गुड और बैड टच बताते हैं, जब तक नहीं बताया था तब तक शायद उन बच्चियों को भी, मासूम बच्चियों को, इस घिनौनी हरकतों का नहीं पता था, लेकिन अब बच्चियों को अलर्ट किया जा रहा है। इसी तरह हम अपनी बेटियों को कहते रहे सबूत इकट्ठे करिए, ताकि ये बलात्कार के आरोपी, आपका शोषण करने वाले आरोपी जो है लोग, और जिन्होंने हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो अपने आप को सच्चा हिंदू कहते हैं ना, सच्चा हिंदू हैं आप, तो थूकिए इनके मुंह पर। ये भगवा धारण करके हमारे धर्म को, भगवा को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं, हम सच्चे भक्त शायद ना हों, आप सच्चे भक्त हैं तो थूकिए इनके मुंह पर कि आप भगवा धारण करके हिंदू कहकर चिन्मयानंद किसका बलात्कार करता है, एक हिंदू बेटी का। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का विधायक किसका बलात्कार करता है, एक हिंदू बेटी का। थूकिए इनके मुंह पर अगर सच्चे हिंदू हैं, सच में अगर बेटियों का, अगर आप पत्थर की मूर्तियों में, नवरात्रि आ रही है, हर घर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, सब तरह की स्त्री के जो रूप हैं मूर्ति में पूजा किया जाएगा, लेकिन मूर्ति के बाहर हक अधिकार मांगेंगे तो या तो मैया सीता की तरह आपको अग्नि परीक्षा से गुजारा जाएगा, उसमें जलकर खाक हो जाए तो हो जाए, बच जाए तो आपकी किस्मत, वरना द्रौपदी की तरह चीरहरण होगा। जिस तरह से चिन्मयानंद केस में कानून की जो हमारी छात्रा है उन्हें जेल भेज दिया गया, वाह वाह क्या कहने, पहली बार है कि हिंदुस्तान में एक बच्ची के साथ, बेटी के साथ हमारी बलात्कार होता है, वो सबूत देती है, ऊपर से उसी के ऊपर केस डालकर उसी को फंसाकर पूरी तरह से कि न्याय मांगोगी, सबूत दिखाओगी, चलो SIT ने उसे ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया, उसे बेल नहीं मिली, वो बेटी जेल में। सो दूसरी बेटियों के लिए, भाइयों के लिए कहूंगी, पिता के लिए कहूंगी, अगर आपकी बहन भगवान ना करे, आपकी बेटी भगवान ना करे, कुछ भी हो, बेटियों को कहिए सबूत मत इकट्ठे करिए, क्योंकि इन सबूतों को के आधार पर आपको फंसाया जा सकता है, और आपका एक बार बलात्कार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, लेकिन जब आप अदालत जाएंगी तो द्रौपदी की तरह उस अदालत में आपकी बेटी, आपकी बहन का चीरहरण किया जाएगा। वो बलात्कार उसने एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, लेकिन न्याय की इस लड़ाई में उस बेटी का बलात्कार, चीरहरण हर रोज होगा और सदियों तक, सालों तक होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 7 दिन में फांसी चढ़ते हैं, ऐसा मुझे तो होते हुए दिख नहीं रहा है। तो उस बेटी को कह दीजिए सबूत मत इकट्ठे करिए, खामोश हो जाइए। लाल किले से बेटी बचाओ का नारा, ओ भाई कोई मजाक थोड़ी ना है, बेटियों का ठेका लिया है प्रधानमंत्री ने, जिनकी अपनी बेटी नहीं है, चाहे वो योगी जी और वो, आपकी बेटियों का क्या ठेका लेंगे भैया, ये देश उन्होंने ठेका लिया है तुम्हारी बेटियों का, बेटियां तुम पैदा कर रहे हो, अपनी बेटियों का ठेका लो, वो तो उन्होंने ठीक है बेटी बचाओ कह दिया, तो क्या मतलब आप लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं, तो आपकी गलती है।
5 साल पहले नारा था, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। आ गई मोदी सरकार, 5 साल वार पे वार हुआ। फिर क्या हुआ, दोबारा सरकार आ गई, बलात्कारियों को वोट दिया, सांसद बने हुए बलात्कारी, बिल मिल जाएगी। और अंदर किसको जाना है, बलात्कारी को नहीं जाना है। एक्सीडेंट किसका होगा, मरने का डर, मारने का डर, हत्या होने का डर उन्नाव की पीड़िता को है। चीरहरण चिन्मयानंद बेटी वाले केस में हो रहा है। तो बस मैं आप ज्यादा नहीं, 10 मिनट आपके लेने थे, अब जाइए सोइए, नींद आ जाए तो। अगर घर में बेटी है, अगर घर में बहन है, तो शायद इन सब मामलों में कि इस देश में अब न्याय नहीं है। बेटी बचाओ, लेकिन बेटी का बलात्कारी भाजपा का बड़ा नेता है, उसकी अगर सरकार राज्य और केंद्र में है, तो बेटी से पहले बलात्कार के आरोप में अपने नेताओं को बचाओ, ये नारा नहीं दिया, पर ये पीछे का है नारा। आगे तो यही है, बेटी बचाओ। पीछे क्या है, भाजपा के बंद कमरों में अगर बलात्कार का आरोपी भाजपा का नेता, तो पहले उसे बचाओ। समझ रहे हैं, सब चीजें बता दी हैं। अगर लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि शायद हम नेता इंतजार में है, जनता सड़कों पर आए, जनता इंतजार में है, नेता पहल करें। और मुझे लगता है कि इस सत्ता, इस राज में 4 रास्ते छोड़ दिए हैं। नंबर 1 रास्ता, राजनीति छोड़ दीजिए और घर बैठ जाइए। नंबर 2 रास्ता, भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा में शामिल हो जाइए। राजनीति नहीं छोड़नी, भाजपा में शामिल नहीं होना तो खामोश हो जाइए, आवाज नहीं उठाइएगा। ये जितने भी बलात्कारी हैं, वो भाजपा के नेता, उनकी सरकार है, इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्नाव की पीड़िता वाला हाल होगा, चिन्मयानंद वाली पीड़िता की तरह आप ही को जेल भेज दिया जाएगा। सो खामोश हो जाइए। 4th रास्ता, खामोश नहीं हो रहे, राजनीति नहीं छोड़ेंगे, भाजपा में शामिल नहीं होंगे, तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। किसी ना किसी मामले में आपको फंसा ही दिया जाएगा, बहुत आसानी से। सबूत भी घर से ले आएंगे, आपको आपको आपके जो है साबित भी कर देंगे, पुलिस प्रशासन कानून सब साबित कर देगा कि दोषी आप ही हैं। ये जो भी चीजें लाकर रखेंगे, चाहे चर्च, चाहे स्मैक, चाहे हथियार, कुछ भी लाकर रख सकते हैं, करेंसी लाकर, पुरानी नहीं, कुछ भी, बहुत चीजें हैं इनके पास, सब कर सकते हैं और आपको जेल भेज सकते हैं। अब आप जेल जाने से नहीं डरते, आप राजनीति छोड़कर खामोश भी नहीं होंगे, आप खामोश भी नहीं होंगे, राजनीति भी नहीं छोड़ेंगे, जेल जाने से भी नहीं डरते, भाजपा में भी नहीं जाएंगे, तो फिर आप करेंगे क्या? एक ही रास्ता है, आप अलका लांबा की तरह ना जेल जाने से डरेंगे, ना आवाज उठाने से रुकेंगे, ना भाजपा में जाएंगे, लेकिन आवाज उठाते रहेंगे बिना किसी डर के। तो आपको मेरी आवाज को, मेरी इस बात को अगर सही लगे तो आगे ले जाइए। शुभ रात्रि सभी पिता को, सभी भाइयों को कहूंगी, आपकी बहनों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ वो ना हो जो उन्नाव की पीड़िता के साथ हुआ, वो ना हो जो शाहजहांपुर के चिन्मयानंद केस में हुआ है। आसाराम मंदिर है, राम रहीम मंदिर है, और असली हिंदुओं को मैं कहूंगी, असली हिंदू हैं आप, हिंदू धर्म की आड़ में भगवा धारण करके, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, और चाहे वो आपके ये नेता हो, बदनाम कर रहे हैं आपके धर्म को, हमारे धर्म को, थूकिए इनके मुंह पर, अंत तक कोशिश करिए कि इन्हें सजाएं मिले, इसलिए मिले ताकि हिंदू धर्म के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर, इस देश के ऊपर लोगों का भरोसा और यकीन बना रहे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। आपका ज्यादा समय मैंने ले लिया, 10 मिनट कहा था, 20 मिनट लिए, लेकिन 1500 लोग जो सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे कि शायद 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 कहीं कोई बेटी आज भी खामोश हो और चिन्मयानंद वाले केस के बाद डर गई हो कि सबूत भी हो तो बोलना मत, आरोपी नहीं, बलात्कार का आरोपी नहीं, तुम जेल जाओगी
और द्रौपदी की तरह चीरहरण होगा, सीता की तरह अग्नि परीक्षा होगी, सीता मैया बच गई थी, सतयुग था, ये कलयुग है, अग्नि परीक्षा के नाम पर तुम्हें ही जलाकर भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे उन्नाव की पीड़िता की तरह कोशिश करेंगे।